नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। 26 नवंबर को देशभर के किसानों ने निर्णय लिया था कि उन्हें कृषि बिलों का विरोध करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करना है। यानी कि वो उनकी मांगे ये थी कि कृषि बिलों को जो है वापस लिया जाए और सरकार की जो 3 बिल आए थे लॉकडाउन के दौरान उनसे वो सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे और इन बिलों का विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन देश भर से आने वाले किसानों को दिल्ली में आने नहीं दिया गया, उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। कल पूरा दिन सरकार और किसानों के बीच टकराव जारी रहा। किसानों का कहना यह था कि हमें दिल्ली में आकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने दिया जाए और संविधान दिवस के मौके पर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हमें इस्तेमाल करने दिया जाए, लेकिन सरकार ने उन्हें दिल्ली में आने की इजाज़त नहीं दी। रात किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर ही बिताई। इसके बाद आज सरकार ने कहीं ना कहीं जा करके उनकी थोड़ी सी बात मानी और किसान जो कि बॉर्डर पर रुके हुए थे उन्हें दिल्ली आने की इजाज़त दे दी। लेकिन इसके पहले किसान और पुलिस फोर्स के बीच टकराव हुआ। दिल्ली के अलग अलग सीमावर्ती इलाकों में किसानों पर कहीं कहीं वाटर कैनन चलाए गए, कहीं टीयर गैस फायर किया गया। अंततः सरकार को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें दिल्ली में एंट्री देनी पड़ी। अभी सरकार ने ये कहा है किसानों से कि आप लोग दिल्ली के निरंकारी मैदान में आइए, यहाँ पर इकट्ठा होइए और आपकी जो भी मांगे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से रखने का कार्य कीजिए। इस वक्त हमारे साथ पंजाब के मोगा से आए हुए 2 किसान मौजूद हैं जो यहाँ पर कृषि बिलों के विरोध के लिए आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। आइए हम इनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और यहाँ तक आने में इन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सर, आप हमें ये बता दीजिए कि आप कब निकले थे पंजाब से और रास्ते में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम तो खैर पहले आगे थे, लेकिन जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं या जितने भी पीछे ट्रैक्टर ट्राली पे लोग आ रहे हैं या यूथ आ रहा है या किसान जथेबंदियाँ आ रही हैं, वो परसों से चले हुए हैं और बहुत तकलीफ़ों के साथ वो पहुँच रहे हैं। अभी भी देखो आप, पिछले 4-5 घंटे पे से वो कुंडली बॉर्डर पे अटके हुए हैं। कुंडली बॉर्डर पे? हाँ जी। तो मतलब आप पहले ही आ गए? हम पहले ही आ गए थे। अच्छा, ये सर भी आपके साथ पहले ही आ गए थे। तो आप लोग यहाँ पे किस उद्देश्य के साथ आए हैं और आपने कल का दिन क्या सोच के डिसाइड किया था कि हम कल प्रदर्शन करेंगे? प्रदर्शन करने आए जी, हम अपने हक लेने आए हैं। प्रदर्शन कोई और चीज़ होती है, अपने जब हक मांगे जाते हैं उसको प्रदर्शन नहीं कहा जाता। और हमारे जो ऊपर ये कृषि बिल आया है और जो जिसका पूरा पंजाब क्या पूरा भारत है उसका विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो गलत है। हमारा आने का जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हम किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम जानते हैं किस तरह का न्याय किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। 3 बिल जो अध्यादेश लेकर आई है कोविड के टाइम पर, जो केंद्र सरकार 3 अध्यादेशों को लेकर आई है जो पूरी तरह से गैर कानूनी और उनको आनन फानन में उनको लाया गया और उनको जबरदस्ती अध्यादेश द्वारा उनको पास किया गया और राष्ट्रपति द्वारा, आपने देखा होगा, राष्ट्रपति ने भी एकदम से उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिल आने के बाद पूर्णतः सारा जितना फसल का जो भी आदान प्रदान है सारा कॉरपोरेट हो जाएगा, सारा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। किसान का जो एक MSP का था, MSP भी उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि MSP जो है आप मंडी में बेचिए MSP मिलेगी, मौखिक कह रही है ना, आप ये बताइए कि अभी जो सरकार बोल रही है कि मंडियों में बेचो, मंडी की रही कहाँ? बताइए आप, मंडी रही का मंडी तो खत्म कर दी। मंडियों को खत्म करने के लिए तो ये बिल आया गया है। लेकिन सरकार तो कुछ और कहती है। सरकार तो लोगों को रोजगार देने के भी कहा था। सरकार तो ये भी बोल रही थी कि 2000 के नोट में चिप है, बताइए आप। सरकार तो यही बोल रही थी कि काला धन आए। सरकार तो ये भी कहती है कि चाइना उसने खदेड़ दिया, उसने ये भी कहती है, वो कहती है कि भाई पाकिस्तान भी खत्म कर दिया। सरकार की बातों पर क्या कहना चाह रहे हो आप? ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो कहा है कि मंडी खत्म नहीं होगी या मंडी, सरकार पूरी तरह झूठी है। और ये जो सरकार है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार, इस पे तो रत्ती भर भी भरोसा करना बिल्कुल यूं समझ लो अपने आप को गला घोटने वाली बात। किसान है और ये देश की आत्मा है, ये अपने आप में बहुत ताकतवर चीज है। काफ़ी दिनों से जो लॉकडाउन के चलते के दौरान जो बिल पास किए गए थे, किसानों के आंदोलन पहले भी चलते रहे वहाँ के तमाम प्रदेश के प्रदेशों में, लेकिन एक बिहार चुनाव के बाद अभी रणनीति अपनाई गई थी कि 26 तारीख को हम दिल्ली कूच करेंगे। तो हमारे को 25 तारीख के हमारे काफ़ी सारे नेताओं को उठा लिया गया, हरियाणा में पंजाब में भी काफ़ी सारे किसान नेताओं को उठाया गया। मतलब एक दमनकारी नीति, पहले तो आप किसानों के खिलाफ आंदोलन मतलब बिल लेके आते हो, फिर उन किसानों को आप बोलने भी नहीं देते, विरोध भी नहीं करने देते, तो ये ऐसी नीति नहीं चलेगी। ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ
दिल्ली कूच करने के लिए किसी देश का किसान पहुंच रहे हैं। तो आप वैसे क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नौकरी? आई एम बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर हैं और आप किसानों के लिए जो है किसान किसान के बेटे हैं, तो आप अपने पिताजी के लिए जो है? हाँ बिल्कुल, पिताजी को और तमाम किसानी को बचाने के लिए हम आए हैं। हमारी मांग ये है कि जो किसान पर जो जबरदस्ती जो बिल थोपे हैं, इस बिल को खत्म कर दो। जो पहले व्यवस्था थी वही रहनी चाहिए, मंडियों को रहना चाहिए, मंडियां रहनी चाहिए। मंडियां रहेंगे तो किसान जिंदे रहेंगे, मंडियां खत्म कर दी जाएंगी तो किसान खत्म हो जाएंगे। यानी कि ये जो सरकार ने ये कह रहा है कि आपके पास बेचने के लिए ऑप्शन होगा, क्रॉप बेचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। कहां उसको कहां दिखा रही है, खोल के बताइए बिल को पूरी तरह से, कहां वो बिल को बता पा रही है किसानों को, एक किसान को समझा पाई है अपने बिल के बारे में? बताइए, वो जो नरेंद्र मोदी है, वो नरेंद्र जो इनका वो है कृषि मंत्री है, नरेंद्र तोमर, उससे जब एक सवाल पूछा कि बाजरे की फसल कब बोई जाती है, उसको ये नहीं पता बाजरे की फसल कब बोई जाती है। जो हमारा कृषि मंत्री है उसको ये तक नहीं पता, तो वो किसानों को समझा पाएगा? ये है आंदोलन लगभग 3 महीने से लगातार चल रहा है, लेकिन ये सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। देखो, ये किसानों का आंदोलन, देश हमारा गुलाम था, गुलामी के बाद जब आज़ादी मिली, देश को अगर जीरो से हीरो बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो किसानों का है। कभी ये किसान आज इन्हीं के जानवर से, कभी इनके जानवर ही किसानों की बैंक हुआ करते थे। सबसे पहले इनके जानवरों को ये सरकार ख़त्म कर दिया, इन्हीं के जानवर इन्हीं के खेत खा रहे हैं घूम घूम कर, और एक तरह से आपस में इनकी जंग चल रही है। तो मेरा कहना है कि जब तक ये किसान, जिस दिन ये किसान नामक प्राणी इस धरती पे नहीं रहेगा, तो न्याय की भी छोड़ो और सबकी नेताओं को छोड़ो, ये धरती भी नहीं होगी जिस दिन ये किसान नहीं। अच्छा, जैसे कल ये हुआ कि किसानों के ऊपर बिल्कुल बहुत गलत चलाए गए, बहुत गलत किया, वाटर कैनन चलाया गया, आज सिंगू बॉर्डर पे जो बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत किया। आपके आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? कोई भी किसान या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी आदमी हो या कोई भी आंदोलनकारी दल हो, अगर वो दल कर वो आंदोलन करना चाहता है तो उसका रास्ता बैरिकेड लगाकर बड़ी बड़ी पत्थरों की चट्टानों से रोक दिया जाए और 20-20 फुट गहरा गड्ढा कर दिया जाए, नेशनल हाईवे खुदवा दिया जाए। ये किस तरह की मानसिकता है सरकार की? सरकार आखिर चाहती क्या है? ये सरकार की मानसिकता क्या है आप सोचिए। मतलब किसी भी आंदोलन को आप नहीं पनपने देंगे इस देश के अंदर? आप क्या दिखाना चाहते हैं? सब खुशी है इस देश के अंदर? आपने GDP को खत्म कर दिया, आपने देश के रोजगार को खत्म कर दिया, आपने महिलाओं के असुरक्षित कर दिया इस देश के अंदर। आपने बचा क्या इसके? आपने पूरे देश को रिजर्व बैंक खाली कर दिया, बैंकों को बिल्कुल दिवाला घोषित कर दिया, आपने इस देश में बचा क्या? जो ऐसा दिखा रहे थे कि ये जो पूरा आंदोलन है ये भारत के खिलाफ पंजाब के लोगों को खड़े करने की साजिश है, ये सारी चीजें दिखा रहे? देखिए, देखो ये आपसे नहीं है, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो NRC का हो या और जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सारे आंदोलन को इनका एक पहला इनका मोटिव रहता है कि उन आंदोलन को देशद्रोही घोषित कर दो, कुचल दो, देशद्रोही घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो, ये इनका मेन उद्देश्य है। और इसमें ये जिनका जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, गोदी मीडिया उसमें कामयाब हो जाता है। और ये गोदी मीडिया लोगों के दिमाग में इस तरह की न्यूज़ें दिखाता है, प्लांट करके न्यूज़ें दिखाता है कि इस देश की जो नब्ज है, जो किसान है, उसके ऊपर भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। मैं उम्मीद है कि जो हमारी यूनियन हमारी जथेबंदी करके आएगी वो अच्छे करके आएगी, बाकी किसान तो उसको और उनको उसके उनके आदेश को फॉलो करेंगे। यानी आपकी यूनियन जो भी निर्णय लेती है आप उसका पालन करेंगे? बिल्कुल जी, यूनियन ने जब इतना बड़ा मुहिम चलाया तो यूनियनों ने चलाया, तो यूनियन ही आके फाइनल डिसीजन लेगी। जब वो पूरी तरह सहमत हो जाएगी या बिल वापस हो जाएगा तब जाके जो यूनियन का कॉल होगा उसको सुना जाएगा। कृषि बिल को लेकर के किसान कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, वो भी ऑप्शन नहीं है। तो जब उनको नहीं वो कानून हमारी जथेबंदियों को हमारे किसानों को पसंद, तो मिनिस्ट्री को उसको बदलना चाहिए। वो बदला नहीं जा रहा, जिसको लेकर के फिर आज तक जब भी है कि क्रांति जो है फिर पंजाब ही लेके आता है, पंजाब ने फिर वो किसानी का झंडा उठाया और उसने अपने हक मांगने के लिए द्वारा वो रोड पे आया। और कल साथ में हरियाणा, आज UP, कल राजस्थान, आने वाले टाइम में पूरे देश के किसान दिल्ली में पहुंचेंगे। जब तक वो आपको लिखित में नहीं देते हैं आप उनकी बात मानते? मैं तो ये मानता हूँ कि लिखित में भी दे देंगे, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये इतने बड़े झूठे हैं पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, कैसे विश्वास कर ले? आपको अपने प्रधानमंत्री पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसने इतना छल करा है किसानों के साथ, सेना के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, इसने कोई भी ऐसा धड़ा नहीं छोड़ा जिसके साथ इसने छलना करा। अभी मंडी खत्म कर दी, अगर इनको महाराष्ट्र ले जाना होगा तो कितनी चुंगिया और कितना वो देना पड़ेगा इनको, कितनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी इनको। इनको एक तरह से किसान देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, आज इनको उलझाया जा रहा है और दुनिया का पेट भरने वाला आज पेट सोने के लिए मजबूर है।
फांसी लगा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मेरा कहना है सरकार से, वर्तमान के शासकगण, अनुरोध किसानों का स्वीकार करो, मातृभूमि की रक्षा ही किसानों की मांग पूरी करो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।